Good morning, class. Hope you all are doing good. So diversity and discrimination is the next chapter which we will be studying today. So if you can go through this, that okay. Firstly, I would like to talk about what is diversity and discrimination. See, diversity is something which you have already read in the previous chapter, that diversity is what? When the different type of a people in terms of religion, in terms of traditions, in terms of their physical features, in terms of your dresses, and they all are living together, fine, under a one roof, as we Indians are living, right? Hum log ek saath rehte hain, hum logon ke religion, culture, एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी हम एक ही देश में के अंदर एक दूसरे की भिन्नताओं को मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं. सो डिस्क्रिमिनेशन इज़ वॉट? भिन्नता, ठीक है, एक दूसरे के साथ अलग, ठीक है. डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? एक दूसरे को अलग करते हैं. सो यू कैन से दैट डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ पर्यायवाची वर्ड, ठीक है. ऑपोजिट होता है डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट देयर इज अ गर्ल, जिसके बारे में हमने पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट देयर इज अ गर्ल नेम ज्योति. शी वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर एंड सडनली अ हेडिंग कॉट हर आईज, अ फॉरेन टूरिस्ट अटैक्ड. शी वॉज शॉक्ड. व्हाई वुड एनीवन अटैक अ टूरिस्ट? Fine. She was just reading a newspaper and suddenly she read about a incident which had happened in a country where a foreigner was attacked by someone, and after reading it she was shocked and she was under impression that why would someone attack a tourist? Ek bahar se aaye hue tourist ko koi kyun attack karega? Kya uski koi dushmani hai? Lekin bahar se aaye hue insaan ki kisi पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले इंसान से क्या दुश्मनी हो सकती है? देन शी आस्क्ड हर फादर. हर फादर एक्सप्लेन्ड, समटाइम्स पीपल थिंक दैट बीइंग डिफरेंट इज बीइंग इन्फीरियर एंड थ्रेटनिंग. दे डोंट रियलाइज दिस. डाइवर्सिटी इज व्हाट मेक्स द वर्ल्ड ब्यूटिफुल. फाइन. एंड देन शी आस्क्ड हर फादर दैट पापा, दैट इफ समबडी हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, कोई फॉरनर, कोई दूसरे देश से हमारे देश में आया था, उसको क्यों किसी ने अटैक किया, उसको क्यों किसी ने मारा? उसके फादर ने उसको एक्सप्लेन किया कि बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बाहर से कोई इंसान आया है हमारे देश में, कोई फॉरनर आया है, आप खुद भी सोचिए, जब कोई फॉरनर आता है तो हम उसे देखते रह जाते हैं ना, वो जो बात करता है हम देखते रह जाते हैं, तो हमें क्या होता है, हमें उससे नीचा फील होता है, एंड समटाइम्स वी वर थ्रेटन्ड, हमें उससे डर लग जाता है. तो हम बेसिकली, बात यहाँ पर यह है कि हम उसके अलग, जो वो हमसे है भाषा में, उसके रहन सहन में, उसके यू कैन से उसके ड्रेसिंग में, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हम उससे डर जाते हैं और हम इस और उसको हम अटैक कर देते हैं. लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि डाइवर्सिटी क्या है. डाइवर्सिटी भिन्नता, इकट्ठे एक देश में एक साथ रहते हैं या उस चीज़ को मानते हुए एक देश साथ में रहते हैं, तो ये क्या है, जो दुनिया को एक ब्यूटीफुल देश बनाता है, दुनिया को ब्यूटीफुल बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है. यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज हाउ कलरफुल दिस इमेज इज, विच इज़ शोइंग द डाइवर्सिटी इन इंडिया, है ना. ये क्या है, ये इमेज डिपिक्ट कर रही है, इट इज़ वेरी कलरफुल. फाइन. कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इट इज़ वेरी कलरफुल. तो इसको देखते ही मेरा अच्छा सा फील हो रहा है. हाउ आई मीन आई थिंक देर आर ऑलमोस्ट एवरी कलर इज़ देयर, है ना. इस इमेज को देख के कितना अच्छा फील हो रहा है. देखो, डिफरेंट डिफरेंट जगहों के लोग हैं, अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, और क्या है ये क्या शो कर रहा है, डाइवर्सिटी इन इंडिया. फाइन. इन दिस चैप्टर, ओके, सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड अ लॉट मच डिस्कशन अबाउट व्हाट इज डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी इज व्हाट? वेदर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट ड्रेसेस, ट्रेडिशन, फूड, एंड दे आर लिविंग इन टू अ प्रॉपर वन कंट्री. इन इंडिया 8 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर प्रैक्टिसेस. अब आप देखिए कि हमारे देश में क्या है, 8 अलग अलग देशों के रिलीजियंस को फॉलो किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है. When does diversity become an evil? Diversity, भिन्नता कैसे हमारे लिए एक evil बन जाती है, एक गलत
चीज़ आप समझ लीजिए, या आप समझ लीजिए इविल मतलब दुश्मन बन जाती है, ठीक है। डाइवर्सिटी माइट नॉट ऑलवेज बी फेवरेबल। अब देखो हमने यहाँ पे इसमें देखा था, उसके फादर ने, ज्योति के फादर ने उसको एक्सप्लेन किया था कि डाइवर्सिटी होने की वजह से हम एक दूसरे को इन्फीरियर मतलब नीचा समझने लगते हैं, डरने लगते हैं। तो ये भी एक है जिससे हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, इविल बन जाती है हमारे लिए, है ना। इविल नहीं होती तो उस फॉरनर को किसी ने अटैक नहीं किया होता, इविल समझा नहीं जाता। डाइवर्सिटी माइट नॉट ऑलवेज बी फेवरेबल एंड सेलिब्रेटेड, एंड द सैड पार्ट इज दैट देर आर इविल्स एसोसिएटेड विद डाइवर्सिटी एज वेल। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बड़ा अच्छा अच्छा सिर्फ डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, हमने समझा, हमने जाना बिल्कुल डीप तक कि डाइवर्सिटी क्या है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वर्ल्ड में डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने का जो देश है वो हमारा देश है। सो वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ आवर कंट्री, इजंट इट। सो डाइवर्सिटी माइट नॉट ऑलवेज बी फेवरेबल। डाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे फेवरेबल हो और उसको सेलिब्रेट किया जाता हो। सैड पार्ट यही है कि डाइवर्सिटी के साथ बहुत सारे इविल्स, बहुत सारी गलत धारणाएं भी आ जाती हैं। दीज इविल्स आर कॉजिंग डैमेज टू आर सोसाइटी। आप देखो डैमेज ही तो हुआ था यहाँ पे, दिस इज़ द डैमेज। नो, किसी ने इन्फीरियर समझा और बेचारे बाहर से आए किसी टूरिस्ट को अटैक कर दिया, तो दिस इज इविल। हमारे दिमाग में वो इविल था तभी तो किया। दिस इविल आर कॉज डैमेज टू अ सोसाइटी इन फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म वन आफ्टर अनदर। प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन विच अराइज व्हेन पीपल फील अनकंफर्टेबल इन एक्सेप्टिंग समवन हु इज डिफरेंट फ्रॉम देम। ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, इनको अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्रेजुडिस, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजुडिस फर्स्ट। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजुडिस क्या होता है। दिस मैन इज बैड बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आदमी है ये गलत है, गंदा है। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि लड़ाका हुआ, तो हम एक इंसान को ये, ठीक है जी ये लड़ाके कम्युनिटी से है तो ये बुरा है, ये गंदा है। या आप समझ लीजिए जैसे नक्सल होते हैं ना, नक्सली होते हैं, बोला जाता है ये तो नक्सली है, ये तो बेकार इंसान है, बेकार आदमी है। क्यों? हम उसको कैसे जज करते हैं? उसकी कम्युनिटी से, कि ये नक्सलाइट है। बट क्या ऐसा ज़रूरी है कि कोई नक्सल कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो वो इंसान गलत ही होगा? तो इस तरीके की धारणा किसी की कम्युनिटी को देखते हुए अगर हम बना लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रेजुडिस। दिस होल कम्युनिटी इज़ बैड, राइट? एंड वी शुड नॉट मिक्स विद देम, है ना। नक्सली है भाई, इससे अलग ही हो जाओ, ये तो बिल्कुल ही गलत इंसान है। वी आर क्विक टू फॉर्म सच ओपिनियन एंड एटीट्यूड्स अबाउट पीपल विद हुम वी डू नॉट शेयर सिमिलर लाइफ स्टाइल्स। वी आर प्रेजुडिस्ड व्हेन इन फॉर्म ऑफ प्रीकंसीव्ड ओपिनियन। प्रीकंसीव्ड ओपिनियन का मतलब होता है जो हम पहले से अपने दिमाग में कुछ किसी के बारे में कोई इमेज बना लें। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया नक्सलीज, क्या हर एक नक्सली बुरा होता है? नहीं, लेकिन हम नक्सली वर्ड सोचते सोचते अरे ये तो डेफिनेटली बुरा इंसान है। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिटी से जो वो बिलोंग करता है वो बुरी कम्युनिटी मानी जाती है। वो भी लोगों का दिमाग में है, इंसान कोई गलत नहीं होता। इंसान अगर किसी कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है तो वो इंसान ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान सेम होते हैं। नो, दिस इज़ रियली बैड। सो हमें कोई भी ओपिनियन, प्री कंसीव्ड ओपिनियन नहीं बना लेना चाहिए, कोई भी धारणा इस तरीके की नहीं बना लेनी चाहिए। प्रेजुडिस मीन टू जज अदर पीपल विद अ नेगेटिव थॉट प्रोसेस और सी योरसेल्फ एज सुपीरियर टू देम। प्रेजुडिस कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज पीपल्स रिलीजन बिलीव, कलर ऑफ देयर स्किन, the region they come from, the accent they speak with, the cloth they wear, etc. People who fall victim of prejudice feel hurt and dislocated from other. We need to understand that people are different because they belong to different region and follow different customs and tradition. They do certain things differently and we need to accept these differences. People hamper matlab, what do you mean by hamper? किसी को परेशान करना, हिंडरेंस बनना, किसी की ग्रोथ के बीच में तकलीफ़ें पैदा करना। ग्रोथ
एंड गिव्स राइज टू अनहेल्दी एनवायरमेंट इन द सोसाइटी बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एस्पेक्ट दैट कैन नॉट बी चेंज लाइक जेंडर कलर ऑफ स्किन रीजन रिलीजन एट्सेट्रा प्रेजुडिसेस डू नॉट हेल्प अस इन एनी वे दे अफेक्ट अवर पर्सनैलिटी एंड मेक अस अनजस्ट अनफेयर एंड इनटॉलरेंट ये देखो ये पिक्चर में क्या दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्किन कलर्स आपको दिख रहे हैं बट दे ऑल आर यूनाइटेड ठीक है वी ऑल आर ह्यूमन विदाउट डिफरेंसेस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हम लोगों को एक दूसरे के साथ भिन्नता नहीं दिखानी है वो चाहे किसी भी कलर का इंसान हो किसी भी तरीके का प्रिजारिस किसी भी कम्युनिटी से हो किसी भी रिलीजन से हो किसी भी तरीके के डिफरेंट कपड़े पहनता हो हमें उसके बारे में एक अलग धारणा नहीं बनानी है हम जब तक किसी को अंदर से जान न ले किसी इंसान को जान न ले चाहे उसकी वो किसी भी कलर का हो उसका स्किन कलर डार्क हो लाइट हो वो फेयर हो वो डार्क हो वो किसी भी तरीके के रिलीजन से फॉलो करता हो वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो कहीं से भी रीजन से आया हो रीजन मतलब किसी भी जैसे चाहे वो पहाड़ से आया हो चाहे वो प्लेन से आया हो चाहे वो रेगिस्तान से आया हो हम किसी के भी बारे में कोई भी पहले से धारणा नहीं बनाएंगे सो प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी के बारे में कोई पहले से एक ओपिनियन फॉर्म कर लेना उसके कल्चर को उसकी कम्युनिटी को उसके स्किन कलर को वो जहाँ से बिलोंग करता है वो कैसी लैंग्वेज बोलता है कैसे वो कपड़े पहनता है हमें किसी के भी बारे में पहले से कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए ठीक है सो अगर ऐसा कोई करता है जैसे मैंने किसी के साथ ऐसे गलत बिहेव किया किसी कम्युनिटी से कोई बिलोंग करता था और मैंने एक प्री कंसीव्ड एक अपने दिमाग में उसके कम्युनिटी को लेकर एक पिक्चर बना ली जैसे कि आप समझ लीजिए कोई पहाड़ की तरफ से आया है वो जैसे लैंग्वेज बोलते हैं ना मैंने उसकी लैंग्वेज के ऊपर अरे ये तो पहाड़ों से आया है आई एम सो सॉरी मैं पहले से उसके बारे में पिक्चर बना लूँ ये तो पहाड़ों से आया है पता नहीं कैसे कपड़े पहन रहा है पता नहीं किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है मैं तो इससे बात ही नहीं करूँगी तो मैंने क्या करा इसका मतलब है मैंने उसके बारे में पहले से एक ओपिनियन अपने दिमाग में फॉर्म कर लिया तो उससे क्या होगा उस इंसान के जो अंदर से उसको बुरा लग सकता है वो उसको हर्ट हो सकता है ना सो किसी भी पर्सन को हमें किसी के बारे में जब तक हम उसे जाने ना किसी के बारे में भी हमें एक पहले से धारणा नहीं बना सकती इससे क्या होगा एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट पैदा होगा एक नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में आ जाएगी ठीक है तो प्रेजुडिस जो है किसी भी तरीके की धारणा अगर हम बना लें तो वो किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं है और वो हमें किसी भी तरीके से एक हेल्प नहीं करती अब क्या है ये हमारी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है ये अनफेयर है ये अनजस्टिस ये इनजस्टिस है और ये इसी को सहना नहीं चाहिए तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्रेजुडिस क्या है किसी के बारे में उसकी कम्युनिटी उसके रीजन उसके रिलीजन उसके स्किन कलर को के बारे में पहले से कुछ दिमाग में उसकी गलत इमेज बना लेने को और उसकी वजह से उससे बात न करना उसके साथ खाना ना खाना उसके साथ उठना बैठना नहीं जैसे कि हम स्कूल में एक साथ जाते हैं ना अब किसी को हम देख लें कि कोई किसी इन्फीरियर जगह से बिलोंग कर रहा है तो हम एक दिमाग में एक पिक्चर बना लें और उसको हम अपना दोस्त नहीं बना रहे हैं ये हम लोग करते हैं स्कूल में विच इज़ रियली रॉन्ग आप सोचो कि किसी को इस बात का कितना बुरा लग सकता है और ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारी क्लास में फैला सकता है विच इज़ नॉट गुड है ना वो हमें किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा और अगर टीचर को पता चल जाए तो टीचर आपको गुस्सा कर सकती है ना एक टीचर भी तो आपके बारे में एक दिमाग में बना सकती है एक इमेज कि ये तो बच्चा ऐसा है कि ये तो अपने साथ किसी को नहीं बिठा रहा है इस बच्चे को है ना तो ये आपकी पर्सनैलिटी आप जैसे हैं उस चीज़ को एक आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट कर सकता है और ये इनटॉलरेंट है किसी को ये चीज़ सहनी भी नहीं चाहिए और ये इनजस्टिस है ठीक है अनजस्ट है इनजस्टिस है अनफेयर है तो आई होप आप लोगों को इतना यहाँ तक टिल प्रेजुडिस तक ये समझ आ गया होगा कल हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियोटाइप ये एक रिमेम्बरेंस है एंड देन द डिस्क्रिमिनेशन फिर हम सॉल्व करेंगे इसका क्विक रिवीजन देन विल टॉक अबाउट द कास्ट सिस्टम दिस इज क्वाइट
लॉन्ग चैप्टर बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. क्यों? क्योंकि ये हमें सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करता है. तो आप लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ पेज नंबर 123 एंड पेज नंबर 124 पे यहाँ तक स्टीरियोटाइप के ऊपर आपको पढ़ना है. ठीक है, चलिए, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय.